नमस्कार दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई फिल्म एनिमल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने रिलीज के 6 दिनों में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इस क्राइम थ्रिलर फिल्म में रणवीर कपूर के अलावा बॉबी देओल के खूंखार रोल की बेहद तारीफ हो रही है। फिल्म में विलन का किरदार निभाने के बावजूद बॉबी ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से हर किसी को काफी इम्प्रेस किया है। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान बॉबी देओल ने खुलासा किया कि जब उनकी मां ने एनिमल देखी तो उनका कैसा रिएक्शन था। दोस्तों, एनिमल में बॉबी देओल की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। हालांकि फिल्म में एक्टर का रोल बेहद छोटा है, लेकिन बॉबी ने अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों के दिलों में जगह बना ली है। इन सबके बीच पिंक विला को दिए एक इंटरव्यू में बॉबी ने खुलासा किया कि जब उनकी मां प्रकाश कौर ने जब एनिमल देखी तो उनका कैसा रिएक्शन था। बॉबी देओल ने बताया कि फिल्म में उनका डेथ सीन देखकर उनकी मां ने उनसे कहा था कि ऐसी फिल्में मत किया कर, मुझे ऐसा देखा नहीं जाता। इस पर बॉबी ने अपनी मां को समझाया था कि वह फिल्म का सीन है और वे उनके सामने बिल्कुल ठीक खड़े हैं। बॉबी ने आगे कहा कि एनिमल में उनकी परफॉर्मेंस, उनकी मां भी बहुत खुश है। बॉबी ने आगे कहा कि उनकी मां ने कहा था कि मेरी सहेलियां तुझसे मिलना चाहती है। बता दें कि एनिमल को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है। फिल्म की कमाई की बात करें तो एनिमल ने रिलीज के 6 दिनों में 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर इतिहास रच दिया है। इसी के साथ इस फिल्म ने शाहरुख खान की पठान और जवान के 6ठे दिन के कलेक्शन का रिकॉर्ड भी चकनाचूर कर दिया है। फिल्म अब 400 करोड़ की ओर बढ़ रही है। उम्मीद है कि वीकेंड तक एनिमल इस माइल्ड स्टोन को भी पार कर लेगी। वहीं वर्ल्ड वाइड यह फिल्म 500 करोड़ पार हो गई है। बता दें कि एनिमल को संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया। फिल्म में रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और अनिल कपूर ने अहम रोल प्ले किया। यह फिल्म 1 दिसंबर को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।